नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार में बदलेगी सरकार, फिर बोले तेजस्वी यादव, बिहार की राजनीति में कभी भी हो सकता है उलटफेर, हर स्थिति के लिए तैयार रहे आरजेडी विधायक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को लेकर फिर बड़ी बात कह दी है। पटना में अपने विधायकों के साथ बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजद के विधायक और नेता कार्यकर्ता हर स्थिति के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने पहले ये दावा किया था कि 2-3 महीने में भी बिहार की सरकार गिर जाएगी, आज फिर से उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को अपने आवास पर पार्टी के विधायकों के साथ पिछले चुनाव के प्रत्याशियों को भी बुलाया था। उन्होंने संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद सरकार को गिराने नहीं जा रही है, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। सरकार में जो पार्टियां शामिल हैं उनकी हालत जग जाहिर है, ऐसे में सरकार कितने दिनों तक रहेगी ये कह पाना मुश्किल है। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद बिहार में अलर्ट जारी, महाबोधि मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू के हवाई अड्डे पर स्थित वायुसेना स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने पटना सहित सभी जिलों के एसपी को सतर्क रहने को कहा है। वहीं सभी संवेदनशील जगहों की जांच और उन पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। एडीजी जितेंद्र कुमार ने यह आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि जम्मू हवाई अड्डे पर स्थित वायुसेना स्टेशन पर रविवार तड़के 2 ड्रोन से बम गिराए जाने और इस हमले में वायुसेना के 2 कर्मी घायल हो गए। इस मामले में एयरपोर्ट के एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। सीमा पार से ड्रोन को ऑपरेट किए जाने की बात सामने आने के बाद अब इसकी जांच एनआईए कर रही है। बता दें कि बीते दिनों दरभंगा जंक्शन पर हुए पार्सल ब्लास्ट, बांका के मदरसा में ब्लास्ट और सिवान में हुए ब्लास्ट की घटनाओं की जांच की जा रही है। अब तक इन मामलों में किसी नतीजे पर पुलिस पहुंच नहीं पाई है। इन घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर एस्टेट अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जमकर हंगामा मचाया। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के दौरान अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एस्टेट अभ्यर्थियों के हंगामे पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अभ्यर्थियों की पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एस्टेट परीक्षा जितने लोगों ने पास की है वे सभी लोग शिक्षक बहाली के लिए आवेदन देने के लिए हकदार हैं। जो मेरिट लिस्ट निकाला गया था वह पात्रता की मेरिट लिस्ट थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि वे किसी भ्रम के शिकार ना हो और ना ही किसी के बहकावे में आए। बिहार पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच के चुनाव में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर का भी होगा प्रयोग। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब पंच और सरपंच के चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का भी उपयोग किया जाएगा। इससे पहले यह चुनाव ईवीएम से होने थे। चुनाव आयोग इसको लेकर नए सिरे से अपनी तैयारी कर रही है। इस फैसले के पीछे ईवीएम की कम उपलब्धता बताई जा रही है। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि 6 में से 4 पदों का मतदान ईवीएम से करवाए जाएंगे, जबकि 2 पदों पर बैलेट पेपर से ही वोटिंग होगी। जिला परिषद मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के लिए ईवीएम से मतदान होगा, जबकि पंच और सरपंच का मतदान बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी चल रही है। बताते चले कि कोरोना संक्रमण के कारण बिहार में पंचायत चुनाव टल गया था, लेकिन कोरोना पर ब्रेक लगने के साथ ही अब सरकार पंचायत चुनाव करवाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर में ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने इसके 10 चरण में करवाने की तैयारी कर रहा है। बिहार में कोरोना वायरस के घटते प्रकोप के बीच शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य में चरणवार तरीके से स्कूल खोला जाएगा। पहले चरण में उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले संस्थान खोले जाएंगे, उसके बाद कॉलेज और फिर स्कूल खोलने की तैयारी शुरू की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में 6 जुलाई से स्कूल और कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को खोला जाएगा, वहीं दूसरे चरण में कॉलेज और फिर स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि अभी प्राइमरी स्कूल खोलने पर निर्णय नहीं लिया गया है। कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद नए साल पर स्कूल और कॉलेज खोला गया था, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद सभी को बंद करने का ऐलान किया गया था। वहीं अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी तो राज्य में अनलॉक लागू किया गया था। बिहार में वर्तमान में अनलॉक 3 का नियम लागू है।
जिले में वैक्सीन की कमी अब भी बरकरार है। इसके कारण जिले के कई सेंटरों पर वैक्सीनेशन 27 और 28 जून को बंद रहा। जिन सेंटरों पर दो दिन वैक्सीनेशन बंद रहा उसमें से कई पटना शहर के विशेष सेंटर हैं। इसे मॉडल सेंटर के रूप में बनाया गया है। जिले के कई सेंटरों पर मंगलवार को भी वैक्सीन नहीं लग पाई। पटना के सभी UPSC से जुड़े सेंटर आज बंद रहेंगे। वहीं सभी 40 टीका एक्सप्रेस पूर्व की तरह चलेंगी। राज्य में कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस अभियान के तहत 1 जुलाई से सघन टीकाकरण दिसंबर तक चलाया जाएगा। फिलहाल कोरोना के साथ पोलियो टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। 1 जुलाई को पोलियो टीकाकरण अभियान समाप्त हो जाएगी। बिहार में कोरोना वैक्सीन लगवाने पर निकल रही है लॉटरी। लोग जीत रहे हैं साइकिल, पंखे और घड़ी जैसे पुरस्कार। कोरोना संक्रमण के तीसरे संभावित लहर को देखते हुए अब टीकाकरण की तैयारी बिहार में भी तेज हो गई है। लोगों को जागरूक करने को लेकर अब नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। कटिहार जिले में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला, जब लोगों को वैक्सीन के लिए जुटाने में प्रशासन ने लॉटरी की मदद ली। टीकाकरण में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसे लेकर कटिहार में टीका लो उपहार पाओ की व्यवस्था की गई। कटिहार के वार्ड नंबर 45 भट्टा टोला में वार्ड पार्षद मंजूर खान ने टीका लो उपहार पाओ लकी ड्रॉ की व्यवस्था कर टीका लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटा ली। दरअसल अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग टीका लेने नहीं पहुंच रहे हैं और टीकाकरण का ग्राफ काफी नीचे है। आगामी 30 सितंबर तक लैब्स वाहनों के कागजात पर जुर्माना नहीं देना होगा और न ही इसके रिन्यूअल में कोई पेनाल्टी राशि लगेगी। 1 फरवरी 2020 से लैब्स हुए सभी वाहन कागजात और सर्टिफिकेट पर यह लागू होगा। पहले जुर्माना से छूट की यह अवधि 30 जून तक ही थी, जिसे परिवहन विभाग ने 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो अपने लैब्स कागजातों के रिन्यूअल नहीं होने को लेकर परेशान थे। ऐसे वाहन चालक जिनके DL पिछले दिनों लैब्स कर गए या जिनके वाहन के RC की अवधि समाप्त हो गई, कोरोना संक्रमण की आशंका के कारण इनके रिन्यूअल के लिए अभी DTO कार्यालय में जाने से डर रहे हैं। वहीं 30 जून बीच जाने के बाद रिन्यूअल करवाने पर हेवी पेनाल्टी लगने और नहीं करवाने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़े जाने और भारी जुर्माना का भय भी उन्हें सता रहा है। उन्हें अब 30 सितंबर तक न तो उनके वाहन कागजात के लैप्स होने के एवज में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना लिया जा सकता है और न ही वाहन कागजातों का रिन्यूअल करवाने में कोई पेनाल्टी देनी पड़ेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की कवायद शुरू हो गई है। 3 साल से एक ही जगह पर जमे अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और राजस्व कर्मियों की कुंडली तैयार की जा रही है। इस बार तबादलों में महिलाओं की संख्या अधिकारियों की रैंकिंग पर फोकस रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने परफॉर्मेंस के आधार पर पोस्टिंग की घोषणा की थी। राज मुख्यालय द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में 25% से अधिक अंक लाने वालों को ही अंचलों में पदस्थापन किया जाएगा। सबसे बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को उनकी पसंद की जगह तैनाती की सौगात देने जा रही है। कोरोना पर ब्रेक लगने के साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों को लेकर शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनको अक्टूबर नवंबर लक्ष्य कर अपनी तैयारियां शुरू करने को कहा है। आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रदेश के सभी DM को कहा है कि बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों की जनता को बाहर कर तेजी से पंचायत चुनाव मतदाता सूची तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी DM को EVM के लिए वेयर हाउस का इंतजाम करने को भी कहा है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।